जय श्री राम दोस्तों। तो वनवास यात्रा के एक और नए अध्याय में आप सभी भक्तजनों का स्वागत है। वर्तमान में मैं हूँ सुदीक्षण आश्रम में। कल मैंने यहीं पे विश्राम किया था, आज मैं यहाँ से आई की ओर बढ़ रहा हूँ बृहस्पति कुंड के लिए। तो सामने में कल मैं इसी मंदिर में रुका था, आपने देखा श्री राम जी का मंदिर है और ये कुछ इस तरह से, और वहाँ पे भोजन वगैरह बनता है। तो ठीक है, आज के दिन की शुरुआत करते हैं लेके राम जी का नाम। जय श्री राम। तो चलते चलते हम काफी घने जंगलों में आ गए हैं। यहाँ बिल्कुल भी कोई लोग नहीं है, कोई आदमी नहीं है, कोई घर नहीं है। अच्छा हुआ कि भैया जी ने वहां तक का लिफ्ट दे दिया, नहीं तो मैं बीच में ही कहीं फंस जाता। तो ट्रक में जो है ना, उस भैया जी ने हमें कम से कम 36-37 किलोमीटर का लिफ्ट दे दिया यार। सुदीक्षण आश्रम से वापस आना पड़ता है और रास्ते इतने घूमे हुए हैं ना, इतना ज्यादा, मतलब कि अगर पैदल भी आए, अगर लिफ्ट अगर मिलता, अगर बाइक वाइक पे, तो मैं फंस जाता बीच। यहाँ से कितना किलोमीटर है भैया बृहस्पति कुंड? 30 किलोमीटर। हमारा जो लोकेशन है ना वो है बृहस्पति कुंड, वो है यहाँ से अभी 30 किलोमीटर, और जहाँ से हम निकले थे वहाँ से 62 किलोमीटर था। तो अभी देखते हैं कितने देर में लिफ्ट मिलता है या फिर पैदल आगे की ओर बढ़ेंगे। जय श्री राम। तो फाइनली गाइस हम लोग पहुंच गए हैं बृहस्पति कुंड में, और कुछ इस तरह से भाई साहब क्या नजारा है। देखो इतना लंबा पहाड़ के चट्टानों के नीचे है ये कुंड, और मैं अभी इसके ऊपर में खड़ा हूँ, देखो आप। तो अभी जो है ना बृहस्पति कुंड पूरा सूखा पड़ा हुआ है, हम थोड़ा गलत समय पे आ गए, नहीं तो आपको जो है ना वाटरफॉल भी देखने को मिलता बहुत प्यारा वाला। तो वहां से कहीं से उतरने का रास्ता है नीचे कुंड के लिए, तो वहां चलते हैं। आइए जानते हैं बृहस्पति कुंड के बारे में। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के पहाड़ी खेरा क्षेत्र में स्थित है यह स्थान बृहस्पति कुंड, जिसमें आप अगर वर्षा ऋतु में आएंगे तो आपको यहाँ बहुत बड़ा एक जलप्रपात भी देखने को मिलेगा। लेकिन दुर्भाग्यवश हम वर्षा ऋतु में नहीं आए, तो मैं आपको वो नहीं दिखा पा रहा हूँ। आइए जानते हैं यहाँ का इतिहास। ऐसा मान्यता है कि बृहस्पति जी यहाँ पे तपस्या किया करते थे और बहुत सारे ऋषि मुनि भी यहाँ पे तपस्या किया करते थे। तो राम जी वनवास काल के दौरान यहाँ पे आए थे और उन्होंने सारे ऋषि मुनियों से मुलाकात की, उनसे उनकी समस्याओं के बारे में पूछा और उनका हरण किया, और फिर यहाँ से वो आगे की ओर बढ़ गए। यहाँ पे आप जब चलेंगे ना तो आपको ऐसे ऐसे चिन्ह मिलेंगे जो कि पौराणिक जमानों में जो ऐसे शिकार वगैरह किया जाता था ना, तो वो बना हुआ है। देखो आप तीर धनुष वगैरह, ये किसी को नहीं पता कि ये कब की बनी हुई और किसने बनाई है, इसके ऊपर काफी शोध भी हुआ है, और ऐसे पेंटिंग हर जगह मिलेंगे आपको यहाँ पे। तो ये किसी को भी नहीं पता अभी तक कि ये पेंटिंग किसने बनाया। और यहाँ से जो है ना खाई देखो कैसा है, ये देखो थोड़ा सा आगे जाऊं तो बस देखो खाई, ऐसा खाई है भैया, और ऐसा रास्ता है बड़ा प्यारा। उन बड़े चट्टानों से नीचे उतर के हम पहुंच गए फाइनली नीचे, यही है बृहस्पति। यहाँ से आप मुड़ेंगे और यहाँ देखिए ऐसे पत्थरों को चढ़ के आगे सूर्य कुंड जाना पड़ेगा, कुछ इस तरह से। चलिए चलते हैं। तो जी फाइनली हम पहुंच गए हैं सूर्य कुंड में, और मेरे सामने में आप ये देख सकते हैं सूर्य कुंड है, और यहीं पे वाटरफॉल गिरता है जो मैंने आपको भी ऊपर से दिखाया था ना, तो यहीं से वो कट कट के ये पूरा वाटरफॉल गिरता है, और यहाँ पे जो है ना खुदाई वगैरह का काम चल रहा है, बाकी ऐसा ही है। बृहस्पति कुंड में हीरा की भी खोज होती है। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले को डायमंड सिटी कहते हैं। ये जो आप सामने लोगों को देख रहे हैं, ये लोग खुदाई कर रहे हैं और हीरा ढूंढ रहे हैं। चारों तरफ खुदाई वगैरह चल रही है और लोग भारी संख्या में हीरा खोज रहे हैं। बृहस्पति कुंड का दर्शन पूरा हुआ, अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो अभी मुझे यहाँ से जाना है सारंग, और वो लगभग यहाँ से दिखा रहा 22 किलोमीटर। तो फाइनली जो है ना हम सुदीक्षण आश्रम पहुंच गए, और भैया जी का जो है ना बहुत 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 धन्यवाद, इनकी वजह से पहुंच गया, नहीं तो अंधेरा हो जाता है यहाँ पहुंचते, क्योंकि रास्ता जो है ना काफी वीरान है, कोई जाता आता है नहीं, और जल्दी कोई यहाँ पे लिफ्ट भी नहीं देते। तो थैंक यू सो मच, और भैया जी भी जो है ना राम जी के बहुत बड़े भक्त हैं, तो ऐसा ही है। एक बार जय श्री राम जोर से बोलिए। जय श्री राम। जय श्री राम दोस्तों। तो मैं पहुंच गया हूँ सुदीक्षण आश्रम, और यहाँ पे पुजारी जी बैठे हुए हैं, और सामने में कुछ इस प्रकार का मंदिर है। तो अभी जो है ना इस मंदिर का इतिहास पुजारी जी बताएंगे आपको, तो यहाँ का इतिहास बताएं पुजारी जी। सुदीक्षण मुनि का आश्रम जी, भगवान जब चित्रकूट अवाई भाई है, वहां से सुदीक्षण मुनि आश्रम दर्शन देती हुई साधुओं को, ये सुदीक्षण मुनि का आश्रम। तो यहाँ भी भगवान दर्शन देने अवाई भाई रहे सुदीक्षण मुनि।
ये सुतिक्षण मुनि जी का आश्रम है। आप परेशान होंगे कि मैंने कल भी सुतिक्षण आश्रम दिखाया और आज भी दिखा रहा हूँ। तो सुतिक्षण जी जब वहाँ पे तपस्या करने के बाद हनुराम जी से उन्हें वरदान मिला, फिर वो उनके साथ आगे की ओर बढ़ गए उनकी सुरक्षा के लिए। तो इसलिए और भी बहुत सारे सुतिक्षण आश्रम हैं हमारे हिंदुस्तान में। जय श्री राम। तो अभी हम ऊपर की ओर जा रहे हैं आश्रम देखने के लिए। मैं प्रसाद खा रहा हूँ, तो कुछ ऐसा रास्ता है ऊपर जाने के लिए। और यहाँ पे महादेव के अलग अलग अवतार हैं, जितने भी अवतार हैं सबके मूर्ति है ना यहाँ पे। 12 ज्योतिर्लिंग तो 12 ज्योतिर्लिंग जितने भी है ना उन सबके मंदिर आपको यहाँ पे मिलेंगे। घुसमेश्वर, मल्लिका अर्जुन सारे हैं। तो ये जो आप सामने में मंदिर देख रहे हैं ये 400-500 वर्ष पुरानी है, मतलब बहुत ज्यादा इसका इतिहास बहुत गहरा है। और यहाँ बजरंगबली की बहुत सारी छोटी छोटी मंदिर हैं। और ऊपर हम जा रहे हैं, इधर भी महादेव की मंदिर है। गायें गाय पानी पिया करती थी। तो हाँ, ये जो आप सामने में देख रहे हैं इसे गौकुंड कहते हैं, यहाँ पे गाय पानी पिया करती थी। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये सूर्य कुंड है पुजारी जी। तो ये जो आप सामने में देख रहे हैं इसे सूर्य कुंड कहते हैं। ये जस्ट गौकुंड के सामने में है और यहाँ लिखा हुआ है और रामधारा से, रामकुंड से पानी आ रही है ना। हाँ, ऊपर थोड़ी चलना पड़ेगा। तो ये जो जल आप देख रहे हैं ये रामकुंड से यहाँ पे आ रही है। हर समय धारा चलती रहती है, हर समय बारह मास जी, ऐसे ही आपको जल मिलेगा। प्रत्यक्ष गंगा जी है ना। तो हम आगे की ओर चल रहे हैं और आगे है मंदिर राधा कृष्ण जी का। ये जो आप आस पास में सारे मंदिर देख रहे हैं ये सारे पुराने मंदिर है और ये बाद में बनाई गई। तो ये जो आप सामने में देख रहे हैं ये अक्षय वट है, इसी के नीचे सुतिक्षण मुनि ने तपस्या की थी। तो ये आप सामने में देख सकते हैं सुतिक्षण मुनि जी का मंदिर है सामने में। और ये यहाँ पे विराज है, विराजमान है यहाँ पे। चरण है भगवान की, चक्र शंख, भगवान जी का चक्र और शंख है। और ये राम जी का या सुतिक्षण मुनि जी का है? जी राम जी का। ये राम जी का चरण चिन्ह है और सामने में सुदीक्षण मुनि जी है। और यहाँ सामने में राधा कृष्ण मंदिर है। जी रामकुंड, ये रामकुंड है। हाँ, 12 मास हर समय ऐसे ही जल बहता रहता है इसमें से। हाँ, इस छोटे से जगह से हमेशा धारा निकलती रहती है, गंगा जी प्रत्यक्ष निकलती हैं। ऐसा मान्यता है कि मंदाकिनी नदी है ये? नहीं जी, बताते हैं, सुना है मैंने पूर्वजों से जी, कि बताते हैं रोज सुतिक्षण मुनि गंगा जी जाते थे स्नान करने। यहाँ से कितने किलोमीटर होगी? वही तो बहुत। तो इलाहाबाद में? तो इलाहाबाद में है। तो ये संतों की आत्मशक्ति, आत्मशक्ति थी कि भाई कहाँ की कहाँ पहुँच जाते रहे उस समय। तो एक दिन गंगा जी प्रसन्न हुई तो उन्होंने कहा कि हम आपके आश्रम चलते हैं। तो सुतिक्षण मुनि ने बताया कि हम कैसे विश्वास करें कि वहाँ आप आ जाओगे। तो गंगा जी ने कहा आप अपना कमंडल छोड़ दो, गंगा जी वहीं रामकुंड में आपको मिलेगा। जब मुनि जी आए तो उनको यहाँ कमंडल मिला, तब से अभी आज तक ये रामकुंड। तो ये गंगा जी स्वयं यहाँ पे प्रकट हुई थी सुदीक्षण मुनि जी के तपस्या से, वो इतना खुश थी जी धनुष बाण रखा। और ये सामने में आप देख सकते हैं ये राम जी का धनुष बाण यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे बना हुआ है। और यहाँ पे है सब कुछ और वहाँ पे मंदिर है भोलेनाथ, वो भोलेनाथ जी है वहाँ सामने में आप देख रहे हैं भोलेनाथ का मंदिर है। यहाँ पे जो है ना भोलेनाथ जी की काफी मूर्तियां हैं और काफी मंदिर हैं और 12 ज्योतिर्लिंग की अलग अलग मंदिरें बनी हुई हैं। इसमें हजार क्या कहते हैं? हजार दिए जलते हैं इसमें, एक बार में हजार दिए जलते हैं जी। इसको हजार दिया कहते हैं? हजार दिया कहते हैं, हजारिया। तो ये जो आप सामने में देख रहे हैं इसे हजारिया कहते हैं और इसमें एक बार में हजार दिए जल सकते हैं। तो ये किस वक्त जलते हैं? ये जब वो होती है रामनवमी वगैरह? नहीं नहीं, रामनवमी नहीं, अमावस्या वो कार्तिक में होती है ना। अच्छा, कार्तिक, कार्तिक माघ में। तो कार्तिक, हाँ उस समय जलाते हैं। और सामने में ये आप देख रहे हैं राधा कृष्ण जी का मंदिर जो अभी बंद है, अब बाहर से दर्शन कर ले। सुतिक्षण जी के गुरु अगस्त्य मुनि जी जो हैं उनका मंदिर यहाँ पे है। यहाँ वन कुंड है और यहाँ पे अगस्त मुनि आप पढ़ सकते हैं लिखा हुआ है। और ये रहा उनका मूर्ति, अगस्त मुनि जी का मूर्ति, आप लोग दर्शन करें। और चारों तरफ घोर जंगल है। शंकर पार्वती अच्छा, ये मूर्ति, ये मूर्ति आपको कहीं भी नहीं मिलेगी क्योंकि यहाँ पे पार्वती जी जो है शिव जी के जांग में बैठे हुए हैं। तो ये मूर्ति सिर्फ इसी मंदिर में है ना पुजारी? ऐसा ही है जी। तो अब हम आगे की ओर चलते हैं। हाँ हाँ, जय श्री राम दोस्तों। तो अभी इस मंदिर का दर्शन पूरा हुआ, पीछे में आप देख रहे थे ये पूरा था सुदीक्षण जी का आश्रम। अब यहाँ से आगे हम बढ़ते हैं, एक पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर है पास में ही। तो एक भैया जी मिले हैं,
क्या नाम है भैया जी आपका? राम गोपाल जी। आप वहाँ उस मंदिर के मतलब कर्मचारी हैं? हाँ, भोजन वोजन बनवाती रहती। तो भैया जी ने मुझे बोला कि आप चलो उस मंदिर में, आपको वहाँ पे रहने वहने का सारा व्यवस्था हो जाएगा और संध्या भी हो गई है तो वहाँ पे रुक जाने में ज्यादा फायदा है। वैसे तो पुजारी जी मुझे यहाँ भी रुकने के लिए बोल रहे थे लेकिन आगे बढ़ने में ज्यादा अच्छा होगा। और कभी आप यहाँ पे आएंगे तो भैया जी का एक दुकान है। आपका क्या नाम है भैया जी? विकास। तो विकास भैया जी हैं, उनका एक दुकान है छोटा सा यहाँ पे, तो आप पूजा का सामान वगैरह यहाँ से ले सकते हैं। तो मंदिर जाने का रास्ता कुछ इस तरह से है, घने पहाड़ों के बीच में है और ऐसा रास्ता है आप देख सकते हैं, और वो सामने कहीं पे मंदिर है। बहुत ही प्यारा लग रहा है ये जगह, तो चलिए चलते हैं। मंदिर पहुंच गए हैं और बीच पहाड़ों में ये मंदिर है और पंचमुखी हनुमान जी यहाँ पे स्थापित है। तो अभी भैया जी हमें अंदर लेके जा रहे हैं। जय श्री राम, हनुमान जी की जय हो। तो जी हम मंदिर के अंदर प्रवेश कर गए हैं और प्रवेश करते ही सबसे पहले भैया जी अभी आपको बताएंगे यहाँ के बारे में। ये गंगा माँ है, ये कमती नहीं है इतने से। इतना जल से यहाँ पे कम नहीं होता? हाँ, यहाँ से अगर पाइप भी चलता है यहीं से चलता। तो आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे कितना थोड़ा सा जल है, बस इतना सा ही जल है, लेकिन इस जल में देखिए आप पाइप लगाओ और इसी से मोटर पानी खींचती है और कभी यहाँ पे जल कम नहीं होता, कितना भी जल निकाल लो। 5,000 लोग यहाँ पे भोजन ग्रहण करते हैं और यहीं से जल निकलता है, फिर भी यहाँ का जल खत्म नहीं होता और ना बढ़ता है। देखो आप, मतलब कि इतना सा ही जगह में इतना सा पानी से पानी निकलता ही रहता है निरंतर और कम नहीं होता, और ये पहाड़ों के जड़ से निकलता है। काफी काफी मतलब रहस्यमय जगह है ये। तो जी ये है मुख्य मंदिर और सामने में आप देख सकते हैं पंचमुखी हनुमान जी हैं। इस मंदिर में जो है ना भोग भी चलता है, लंगर सेवा, यानी कि अगर 1,000 लोग भी आ जाएं तो उनकी भी भोजन की व्यवस्था यहाँ पे हो जाती है। रामायण में लिखा हुआ है यह सुतिक्षण मुनि महाराज की तपोभूमि है। भगवान राम यहाँ उनसे मिलने आए थे जब वनवास को आए हैं। ये है यहाँ का इतिहास। और बागवंती गंगा जो है वहाँ कुंड देखे है जी, वो जल जो है कभी घटता नहीं, उन्हीं की तपो से गंगा आई, इनका नाम है बागवंती गंगा। तो अभी पुजारी जी ने यहाँ का आपको इतिहास बताया और सामने में कुछ इस तरह का नजारा है और ऊपर में वो पहाड़ है और यहाँ पे जो है देख लेंगे आप कितनी सारी प्लेटें रखी हैं। तो यहाँ पे लंगर सेवा हमेशा चलता ही रहता है, भगवान की दया से कभी बंद नहीं होता, और ये यहाँ पे रसोई है। तो आज मैं यहीं पे विश्राम करने वाला हूँ। तो अभी यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। अब मैं नीचे की ओर जा रहा हूँ विश्राम करने के लिए। तो आज का वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और कब बने रहे मेरे साथ श्री राम जी के वनवास यात्रा को देखने के लिए, और कल आपको एक और नया अध्याय दिखाएंगे। जय श्री राम।